नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा कटियार। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, जयराम सिंह ने जनता राष्ट्र में वोट दिए, उनका आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में आमघाट के पूर्व प्रधान जयराम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी और जनता ने राष्ट्र हित में वोट दिए हैं, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। जयराम सिंह ने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सपा अत्याचारी व गुंडों की सरकार है, जनता हित के लिए नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ कार्य करते हैं, करेंगे राष्ट्र हित में करेंगे। ये जो जनता ने जिस हिसाब से हर बिरादर के लोग सरकार बनाने में भूमिका निभा रही है, जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता को मैं अभिवादन करूंगा, धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। अगर जो जनता रूपी हम लोग अगर जो वोट दे करके बीजेपी को जो सरकार बनाए हैं, तो अगर जो हम लोग ये समझे कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, यह भी एक कमी कही जाएगी। हम लोगों ने वोट दिया है राष्ट्रवाद को, हम लोगों ने वोट दिया है अपनी सुरक्षा को, हम लोगों ने वोट दिया है देश के लिए विकास को, न कि बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी ही राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का परिवार बन चुकी है। जी, योगी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं क्या कहूँगा, मैं धन्यवाद शुभकामनाएं दूंगा कि बने और जनता के बीच में जिस तरह से आए सही सलामत आवें, जनता की सेवा करें, उत्तर प्रदेश का विकास करें और बुलडोजर द्वारा अत्ताइयों का नाश करें। जिस तरह से पिछली बार 5 वर्षों में गुंडों और माफियाओं का संहार किया है, थोड़ा उससे तेज गति से इनको संहार करना होगा, क्योंकि ये एक ही 2 महीने में इन सबों को मालूम हो गया कि हम आ रहे हैं। ये बहुत गलत गलत भाषा बोल रहे थे, आपने तो देखा है और हमसे ज़्यादा सुने हैं क्योंकि आप मीडिया से आते हैं। इन लोगों की भाषा 15 दिन में ही बदल गई थी और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन में ये लोग जितना बोल रहे थे, एग्जिट पोल आने के बाद या 10 तारीख को काउंटिंग होने के बाद इन सबों का पता ही नहीं चला कि किस बिल में घुस गए और कहाँ चले गए। ये दिखाइए नहीं दे रहे हैं, जो कि रोडों और चौराहों पे लगता है कि इन्हीं सबों का साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी के लोगों का कहीं भी उपद्रव नहीं देखे होंगे, कहीं चट्टी चौराहे पे भी नहीं देखे, इसलिए कि बीजेपी को मानने वाले लोग राष्ट्रवादी होते हैं, राष्ट्र के साथ चलना चाहते हैं, सबको एक नज़र से देखना जानते हैं।